हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने जीमेल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीमेल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीमेल एप्लीकेशन में जाना है, और जीमेल एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको अपने अकाउंट्स पर जाना है। तो अगर आपके फ़ोन में एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड है तो आपको पहले जो अकाउंट डिलीट करना है उस पर साइन इन करना होगा। तो जैसे मुझे ये अकाउंट डिलीट करना है तो इस पर पहले से ही मेरा साइन इन है, तो सिंपली आपको यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है, और सिंपली आप इसको डिलीट करने के लिए यही स्टेप प्ले स्टोर और गूगल से भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपका गूगल अकाउंट का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे होम, पर्सनल इन्फो, डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी एंड पीपल शेयरिंग एंड पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन। तो आपको सिंपली अपने जीमेल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए डाटा एंड पर्सनलाइजेशन में जाना है, और आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको डिलीट अ सर्विस और योर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आप यहाँ से तो इस पर क्लिक करना है, और सिंपली आप यहां से अपनी किसी भी गूगल सर्विस को डिलीट कर सकते हैं और अपने गूगल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर पहला ऑप्शन है डिलीट अ गूगल सर्विस। तो किसी भी गूगल सर्विस को डिलीट करने के लिए आपको यहां डिलीट अ सर्विस पर क्लिक करना होगा, और अपने गूगल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहां क्लिक कर लेता हूं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल कर आएगा। तो देखिए, पहले आपको अपने गूगल अकाउंट डिलीट करने के लिए यहाँ पर अपना पासवर्ड री एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको सीधे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक पेज खुलकर आ गया है, और यहाँ पर सिंपली आपको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक कर देना है। और सिंपली अब देखिए, यहाँ पर आपको एक डिलीट अकाउंट का बटन दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा गूगल अकाउंट सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा हैज़ बीन डिलीटेड। इफ़ यू एक्सीडेंटली डिलीटेड योर गूगल अकाउंट, यू हैव अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्राई टू रिकवर इट। तो अगर जैसे कि यहाँ पर आपका गूगल अकाउंट डिलीट हो चुका है, और अगर आपने इसे गलती से डिलीट किया है, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है कुछ समय के लिए कि आप उसको जाकर फिर से रिकवर कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के बाद फिर से आपको अपने जीमेल एप्लीकेशन में जाना है, और जीमेल एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको अपने अकाउंट्स पर जाना है, और यहाँ पर आपको मैनेज अकाउंट्स ऑन द डिवाइस पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट दिखेगा जिस पर साइन इन है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो अकाउंट आपको रिमूव करना है वो उस पर आप क्लिक करेंगे। तो मैंने ये अकाउंट जैसे डिलीट किया है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक रिमूव अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको इसे रिमूव करना है। तो देखिए, अकाउंट रिमूव हो चुका है, अब आपका अकाउंट सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। सो आई होप गाइस कि यह वीडियो देखने के बाद आपको अपना गूगल अकाउंट अच्छे से डिलीट करना आ गया होगा। सो वेल गाइज, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में दी गई नॉलेज आपको सही लगी हो, देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट दिस टाइप ऑफ नॉलेजबल वीडियोज, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज फर्स्ट। सो वेल गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।